अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे बच्चों आप तमाम का मैं इस ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ खुश आमदी प्यारे बच्चों मैं शाहीन फातिमा माविन मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चिट्टा तालुका को जिला बीदर से तो प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पर जमात चारम का मजमून इलम रियाजी में बाब नंबर ग्यारह लंबाई के बारे में मालूम हासिल करेंगे तो प्यारे बच्चों लंबाई जो सबक है उसके मैंने चार हिस्से किए हैं आज मैं आपके सामने चौथा हिस्सा लेकर हाजिर हुई हूँ तो इस चौथे हिस्से में हम यहाँ पर बुनियादी इकाई का मुनासिब इस्तेमाल देखेंगे प्यारे बच्चों ठीक है तो यहाँ पर आप तमाम अपने साथ इल्म रियाजी की किताब कापी पेन पेंसिल वगैरह लेकर बैठिए प्यारे बच्चों आइए अब तक हमने क्या सीखा है उसका ई करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए मिलीमीटर को अंग्रेजी के हर्फ एम एम से जाहिर किया जाता है और सेंटीमीटर को सी एम से जाहिर किया जाता है और मीटर को एम से जाहिर किया जाता है और किलोमीटर को के एम से जाहिर किया जाता है तो प्यारे बच्चों ये तमाम चीजें आपको अच्छे से याद रखना है आइए इसके बाद हम देखते हैं कि एक सेंटीमीटर में दस मिलीमीटर mm होते हैं उसी तरह एक जो है मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं और एक किलोमीटर में एक हजार मीटर होते हैं प्यारे बच्चों ये हम सीख चुके हैं इसका हमने थोड़ा सा यहां पर यादा कर लिया तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए आप चार सेंटीमीटर में जब चार सेंटीमीटर को जमा किया जाता है तो उसका जवाब आठ सेंटीमीटर होता है ये हमने लंबाइयों की जमा में सीखा है प्यारे बच्चों उसी तरह चौदह सेंटीमीटर में से जब दस सेंटीमीटर को तफरी किया जाता है तो हासिल जवाब चार सेंटीमीटर होता है ये हमने लंबाइयों की तफरीक में सीखा है तो प्यारे बच्चों आइए अब हम यहां पर लंबाई की पैमाइश जो है हम जानेंगे कि यहाँ एक किलोमीटर आधा किलोमीटर और तीन बटा चार किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए किलोमीटर में जो है दो सौ पचास मीटर होते हैं ठीक है बच्चों एक बटा दो किलोमीटर में, किलो में 500 सौ मीटर होते हैं उसी तरह तीन बटा चार किलोमीटर में जी सात सौ पचास मीटर होते हैं और एक मीटर में एक हजार मीटर होते हैं ठीक है बच्चों? तो यह हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि एक किलोमीटर में जब एक हजार मीटर होते हैं तो जब उसका एक बटा दो किया जाता है तो वो 500 सौ मीटर हो जाता है उसी तरह तीन बटा चार जब उसका किया जाता है तो वह सात सौ पचास मीटर होता है तो एक बटा चार किलोमीटर में दो सौ पचास मीटर होते हैं यानी मीटर से किलोमीटर बहुत बड़ा होता है ये बात हमें याद रखनी है अच्छे से तो लंबाइयों की इकाई का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जब हमारी नज़रों के सामने छोटे छोटे चीज़ें जो भी गुजरते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चूंटी है एक रबर है और एक पिन है एक अंगूठी का नग है और उंगली का नाखून है ये सब छोटे 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 अशिया हैं तो इनकी लंबाई जब हमें मालूम करना है तो इनकी लंबाई की मालूम करने के लिए जो हम इकाई का इस्तेमाल करते हैं तो प्यारे बच्चों बताइए कौन सी इकाई का इस्तेमाल होगा यहाँ पर बिल्कुल सही इन इन तमाम अशिया की लंबाई मालूम करने के लिए बुनियादी इकाई मिलीमीटर का इस्तेमाल होगा ठीक है बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं तो उसी तरह अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको पेन पेंसिल मोबाइल किताब पानी का गिलास ये नोटबुक वगैरह नज़र आ रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों को नापने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का इस्तेमाल होगा सोचिए जी ये इन तमाम चीज़ों को नापने के लिए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े हैं तो यहाँ पर मिलीमीटर का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि इन तमाम चीज़ों को नापने के लिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर की मदद से इनकी पैमाइश कर सकते हैं ठीक है बच्चों तो उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कमरा जमात की जो तस्वीर नज़र आ रही है जो कमरे जमात की लंबाई ये जो कमरे जमात की लंबाई इनको हम या इसकी ऊंचाई हो या इसकी चौड़ाई हो इसको हम कौन सी इकाई की मदद से इसका हम पैमाइश करेंगे प्यारे बच्चों सोचिए उसी तरह यहाँ देखिए खेल का मैदान है यहाँ पर एक पार्क नजर आ रहा है आपको इसकी लंबाई नापने के लिए हम कौन सी इकाई का इस्तेमाल करेंगे उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक साड़ी और एक दुपट्टा नजर आ रहा है तो दुपट्टे की जो हम पैमाइश करेंगे उसकी लंबाई मालूम करेंगे कि ये दुपट्टा कितना लंबा है उसी तरह इस साड़ी की लंबाई मालूम करेंगे ये दी गई साड़ी की लंबाई कितनी है तो इन तमाम चीजों को लंबाई को मालूम करने के लिए हमारे पास कौन सी इकाई है आपको जवाब आप समझ में आ रहा है बच्चों तो आप ये बात याद रखिए इन तमाम चीजों की जो लंबाई नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करेंगे यानी के जो कमरा जमात की लंबाई और पार्क की लंबाई और दुपट्टे की लंबाई और साड़ी की लंबाई मालूम करने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करेंगे ठीक है बच्चों आइए अब यहाँ पर सोचिए कि दो मुखामात के दरमियान की जो लंबाई है मसलन यहाँ पर आप देख सकते हैं बीदर और कलबुर्गी तो बीदर से कलबुर्गी का जो दरमियानी फासला है प्यारे बच्चों उसका जो हम यहाँ पर नाप करेंगे पैमाइश करेंगे तो यहाँ पर कौन सी बुनियादी इकाई इस्तेमाल होगी जी बिल्कुल यहाँ अगर हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या सही होगा या मीटर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो सही होगा आप सोचिए ठीक है बच्चों तो देखिए यहाँ पर बीदर और कलबुर्गी का जब हम मुशाह करते हैं तो एक मुकाम से दूसरे मुक़ाम के फासले का इजहार हम किलोमीटर में करते हैं प्यारे बच्चों दो मुत्या का फ़ासला किलोमीटर में किया जाता है यहाँ देख सकते हैं आप बीदर से जो कलबुर्गी का फासला है उसको हम किलोमीटर में उसका हिसाब लगाएंगे। ठीक है बच्चों जैसे कि बीदर से कलबुर्गी 120 किलोमीटर है ऐसा हम जवाब दे सकते हैं अगर हम कहेंगे बीदर से गुल कलबुर्गी एक मिलीमीटर है तो वो गलत होगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर एक किलोमीटर मसावी है एक हजार मीटर ये बात हमें अच्छे से याद रखना है कि मीटर से किलोमीटर बड़ा होता है ठीक है बच्चों? तो चलिए वालेकुम। बच्चों, आज हम यहां पर इस वीडियो में कुछ चीज़ों की पैमाइश करेंगे जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको अच्छे से लंबाई की पैमाइश करना बतलाने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को रखा है तो सबसे पहले हम इस पटरी की मदद से इस पटरी में यहाँ पर तीस सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हम यहाँ एक रुखा रखा हुआ है उस रुखे की चौड़ाई देखेंगे तो आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर रुखे की चौड़ाई सोलह सेंटीमीटर यहाँ देखिए ये से शुरू हो रहा है यहाँ पर खत्म हो जाना उसी तरह इस रुखे की लंबाई देखिए आप यहां पर यहां पर आप अच्छे से देखिए इक्कीस सेंटीमीटर और ये छोटे चीजों को हम मिलीमीटर में देखते हैं जैसे यहाँ पर आप देखिए एक सेंटीमीटर से थोड़ा सा हाँ ये क्या है एक का यानी कि पंद्रह मिलीमीटर mm है अगर हम मिलीमीटर में देखेंगे तो इस बटन की लंबाई पंद्रह मिलीमीटर mm है उसी तरह यहाँ पर एक पिन रखा हुआ है बच्चों इसकी लंबाई देखेंगे हम यहाँ पर देखिए ये चार सेंटीमीटर है अगर मिलीमीटर में समझेंगे तो ये चालीस सेंटीमीटर है उसी तरह यहाँ पर जो रोजमर्रा हम पिन इस्तेमाल करते हैं जो कांटा इस्तेमाल करते हैं उसकी लंबाई यहाँ देखिए छ सेंटीमीटर है यहाँ आप देखिए इस तरह से हमें लंबाई की पैमाइश करना है और यहाँ पर आप ये लिप बाम की लंबाई देख सकते हैं इसकी लंबाई सात सेंटीमीटर है ठीक है बच्चों यहाँ से शुरू होना है और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लंबाई सात सेंटीमीटर है उसी तरह यहाँ पर एक पेन की लंबाई देखेंगे अब हम इस पेन की लंबाई जी ये है करीब खरीब चौदह तो हम इसको तेरह अशारिया ये जो है आठ सेंटीमीटर है तो हम इसे चौदह सेंटीमीटर भी तखमीना कर सकते हैं उसी तरह यहाँ पर देखिए एक वैज्लिन की डिबिया की लंबाई हमें देखना है तो इसकी लंबाई दस सेंटीमीटर है बच्चों देखिए आप अच्छे से इसकी लंबाई दस सेंटीमीटर है ठीक है अब उसी तरह ये इसक्रू ड्राइवर की लंबाई देखेंगे हम इस स्क्रू ड्राइवर की लंबाई बारह सेंटीमीटर है ठीक है बच्चों तो ये जो लंबाई हम देख रहे हैं ये हम सेंटीमीटर में देख रहे हैं यहाँ पर एक सीनरी का एक फोटो फ्रेम है इसकी लंबाई देखिए इसकी लंबाई सत्रह सेंटीमीटर है और इसकी जब हम चौड़ाई देखेंगे तो इसकी चौड़ाई बारह सेंटीमीटर है ठीक है बच्चों, उसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक नेल कटर है उसकी लंबाई है हम जब देखेंगे तो ये आठ सेंटीमीटर के करीब करीब है बच्चों, और एक आइसक्रीम बार जो होता है उस आइसक्रीम बार की लंबाई तेरह सेंटीमीटर है ठीक है बच्चों, तो ये तमाम जो हम पैमाइश कर रहे हैं ये छोटी छोटी चीजें रहने की वजह से हम इनकी पैमाइश सेंटीमीटर में कर रहे हैं अभी अब की लंबाई देखिए इसकी लंबाई जी ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसकी लंबाई तेईस सेंटीमीटर है उसी तरह इसकी चौड़ाई जब हम देखेंगे तो ये सोलह सेंटीमीटर या थोड़ा सा सत्रह के करीब है सोलह या आठ सेंटी सेंटीमीटर है बच्चों तो अब यहाँ पर देखिए ये तमाम चीजें छोटी रहने की वजह से हम देख चुके हैं लेकिन यहाँ मेरे हाथ में एक रिबिन का बंडल है ये रिबिन बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हैं मैं इसको नाप रही हूँ ये एक पटरी हो गई है और बड़ी है तो ऐसे चीज़ों को नापने के लिए जो बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम सेंटीमीटर में नहीं नाप सकते इनको नापने के लिए हमें मीटर का टेप होना चाहिए ये जो मीटर का टेप है बच्चों ये ज्यादा लंबा होता है तो इसको हम इसकी मदद से हम इस रिबिन की लंबाई की पैमाइश कर सकते हैं यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर हम एक सेंटीमीटर से जब हम शुरू करेंगे इसको नापना कुछ इस तरीके से दोनों को ऐसे पकड़ते जाना है ऐसे ही ये हम नाप रहे हैं बच्चों देख रहे हैं आप इस तरीके से हम रिबिन की पैमाइश कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर सौ यहाँ पर देखिए आप सौ यानी के सौ सेंटीमीटर यानी कि एक मीटर तो जो मैंने इतना नापा है ये रिबिन ये पूरी रिबिन ये जो है एक मीटर है तो ये जब हम आधी करें तो ये आधा मीटर हो जाएगी तो उसी तरह मीटर से जब हम नापेंगे तो ये पूरी जब आप नापेंगे तो ये पांच मीटर रिबिन है जो इस पर लिप्टी हुई है ठीक है बच्चों, तो ये टेप की मदद से इस ये टेप भी जो होता है सिर्फ डेढ़ मीटर का यानि ये एक मीटर से शुरू होकर इस जो खत्म होता है ये एक सौ पचास सेंटीमीटर तक यानी के ये डेढ़ मीटर का होता है अगर और ज्यादा चीजें हमें नापना है तो इस तरह इस तरह का बड़ा टेप भी हम यहाँ पर ले सकते हैं ये इसमें जुमला जो है ये टेप में प्यारे बच्चों यहाँ पर ये टेप जो है तीन मीटर का है तीन मीटर तक की लंबाई इस टेप में आप नाप सकते हैं यहाँ पर आप देखिए तो इसके अलावा यहाँ ये जो रिबिन के बंडल्स होते हैं उस पर लिखा हुआ भी होता है कि वो कितने मीटर है तो ये पांच मीटर का बंडल है कुछ बंडल्स बड़े बड़े होते हैं कुछ बंडल्स दस मीटर के होते हैं और कुछ बंडल पचास मीटर के होते हैं तो उसको हम ऐसे टेप की मदद से नाप कर नाप सकते हैं अगर सेंटीमीटर का नापना है तो हम पटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें यहाँ पर मिलीमीटर भी है ये सीफर से लेके एक तक यहाँ पर दस मिलीमीटर होते हैं तो आप सीख रहे हैं बच्चों मिलीमीटर और सेंटीमीटर को हम पटरी की मदद से नापते हैं और टेप की मदद से हम यहाँ पर जो है बड़े बड़े जो ज्यादा लंबाई की अशिया होते हैं उनको नापते हैं और जो मुखाम का फासला होता है उसको हम किलोमीटर में नापते हैं ठीक है बच्चों अब हम सबक के अगली जाने बढ़ते हैं यहाँ पर एक हम सरगर्मी करेंगे तो यहाँ देखिए हिदायत दी गई अशिया की लंबाई की पैमाइश के लिए मुनासिब इकाई के सामने सही का निशान लगाइए ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अशिया को देखिए आप सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर यानी कि कौन सी शय किस में उसकी पैमाइश होगी मिसाल के तौर पर यहाँ सबसे पहले पेंसिल की लंबाई तो बताओ बच्चों पेंसिल की पैमाइश किस में होगी बिल्कुल सही सेंटीमीटर में होगी ठीक है बच्चो उसी तरह यहाँ पर कमरे जमात की दीवार की ऊंचाई तो कमरे जमात की दीवार की ऊंचाई मालूम करना है आपको तो वहां कौन सी इकाई इस्तेमाल होगी बिल्कुल मीटर सेंटीमीटर छोटा होगा और किलोमीटर बहुत बड़ा होगा उसी तरह यहाँ पर देखिए आप इल्म रियाजी की किताब का किनारा तो इल्म रियाजी की किताब का किनारा जो है उसे हमें पता करना है उसे हमें मालूम करना है तो वो सेंटीमीटर में होगा बिल्कुल सही है आपका जवाब और यहाँ दूसरी शहर पर आप देखिए आपके गांव से पड़ोसी गांव का फासला जी बिल्कुल इसको हम किलोमीटर में इजहार करते हैं तो इसका जवाब किलोमीटर होगा उसी तरह यहाँ पर आप देखिए आपके जमात से स्कूल के बौजी का फासला यानी कि आपकी चौथी जमात से आपके मदरसे का बुरजी खाना कितनी दूर है आप समझ सकते हैं तो क्या वो सेंटीमीटर में होगा क्या वो मीटर में होगा या वो किलोमीटर में होगा बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है मीटर में होगा ठीक है बच्चों ये सरगर्मी में आपने हिस्सा लिया मुझे बहुत खुशी हुई आप तमाम ने अच्छे से समझा आइए अब दूसरी सरगर्मी की जानब बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप हिदायत देखिए जैल की तख्ती का मुशाह कीजिए और खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पूर कीजिए इन तख्ती पर आप गौर कीजिए ये तख्ती जो है बिदर मुखाम पर लगी हुई है तो बिदर से देखिए यहाँ 700 किलोमीटर दूर बेंगलुर है और 120 किलोमीटर दूर।, दूर कलबुर्गी है तो प्यारे बच्चों अब इसी के तहत आपको मैं कुछ सवाल दूंगी आपको खाली जगह में मुनासिब जवाब पुर करना है आइए पहला सवाल ये तख्ती डैश मुकाम पर लगी हुई है तो बताओ बच्चों ये तख्ती कहाँ लगी हुई है बिल्कुल सही है आपका जवाब बीदर पर लगी हुई है ठीक है बच्चों चलिए अब दूसरे सवाल की जाने पड़ते हैं बीदर से बेंगलुरु का दरमियानी फासला डैश किलोमीटर है तो कितने किलोमीटर है बच्चों? बिल्कुल सही 700 किलोमीटर है उसी तरह यहाँ पर तीसरे सवाल पर देखिए बीदर से कलबुर्गी डैश किलोमीटर दूर है तो कितने किलोमीटर बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है 120 किलोमीटर तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपने तख्ती को पढ़ा और इन सवाल के जवाब दिया तो जब भी आप किसी मुकाम पर जा रहे हैं तो वहां पर लगी हुई तख्तियों का मुशाह कीजिए और समझिए कि आपको कितनी दूर अभी जाना है या आप कौन से मुकाम पर मौजूद हैं ठीक है बच्चों चलिए अब हम यहाँ पर अगली सरगर्मी की जानब बढ़ते हैं यहाँ है, मुनासिब जोड़ लगाइए तो यहाँ पर चार सवाल दिए गए हैं उनको इनके जवाब के लिहाज से मुनासिब से आपको जोड़ना है प्यारे बच्चों जैसे एक बटा चार किलोमीटर एक बटा दो किलोमीटर तीन बटा चार किलोमीटर और एक किलोमीटर उसके जवाब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 500 सौ मीटर सात सौ पचास मीटर एक हजार मीटर दो सौ पचास मीटर ठीक है बच्चों तो आइए अब आप ये हल करेंगे ठीक है कर रहे हैं ना बच्चों चलिए आपके जवाब की यहाँ पर हम तस्दीक करते हैं एक बटा चार किलोमीटर यानी के जी बिल्कुल सही दो सौ पचास मीटर एक बटा दो किलोमीटर यानी पाँच सौ मीटर ठीक है बच्चों तीन बटा चार यानी सात सौ पचास मीटर और एक किलोमीटर मसावी है एक हजार मीटर शाबाश बहुत खूब आपने बहुत अच्छे से जोड़ लगाया चलिए अब एक कहानी सुनते हैं तो एक कहानी की मदद से हम यहाँ पर लंबाई की इकाइयों का मुनासिब इस्तेमाल देखेंगे ठीक है बच्चों? तो इस कहानी में यहाँ देखिए मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ अयान एक बहुत ही प्यारा लड़का है अयान के अब्बू उसे अपनी एक शर्ट लाने के लिए कहते हैं जाओ बेटे कपड़े की दुकान पर जाओ और मेरे लिए शर्ट का कपड़ा लेते आओ अन जी अबू कहता हुआ घर से निकलता है जैसे ही वो थोड़ी दूर के फासले पर जाता है वहाँ उसे उसका दोस्त उमर मिलता है दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं और अन अपना काम भूल जाता है और दोनों खेलने के लिए नज़दीकी पार्क में जाते हैं पार्क में दोनों बहुत खेलते हैं फिर अचानक अन को अपना काम याद आता है और वो पार्क से बाहर आता है और वो अबू के शर्ट के कपड़े के लिए जाता है उसे याद आ गया कि उसे के शर्ट का कपड़ा लाना है तो अन कपड़े की दुकान पर पहुंचता है अब कपड़े की दुकान पे वो कहता है कि मेरे अबू के शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए अब दुकानदार पूछता है कितना कपड़ा चाहिए अब अन भूल जाता है कि उसे कितना कपड़ा चाहिए उसे सिर्फ दो याद रहता है ठीक है बच्चों अब उसके पास तीन इकाइया मौजूद हैं, हैं। किलोमीटर मीटर, मीटर सेंटीमीटर अब यहाँ पर कौन सी इकाई का इस्तेमाल है करना है तो प्यारे बच्चों आप तमाम आयान की मदद करेंगे ठीक है ना बच्चों करेंगे जी तो आप बताइए कपड़ा लेने के लिए क्या दो किलोमीटर या दो मीटर या दो सेंटीमीटर जी बिल्कुल सही आपका जवाब है दो मीटर कपड़ा जब वो दुकानदार से कहता है कि दो मीटर कपड़ा दो तो दुकानदार उसे दो मीटर कपड़ा दे देता है तो देखा बच्चों आपकी मदद से अन का अपना काम मुकम्मल हुआ ठीक है अब हम कहानी की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं अन कपड़ा ले चुका है और वो जब जा रहा है तो उसकी नज़र एक कंप्यूटर दुकान पे पड़ी वहाँ पर मौजूद एक कंप्यूटर को देखा तो उसने देखा कि उसके स्क्रीन पर जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वहां 45 लिखा हुआ है तो अयान सोच रहा है अब वो 45 के आगे क्या आना चाहिए क्या किलोमीटर आना क्या मीटर आना या सेंटीमीटर आना तो प्यारे बच्चों आप सब अयान की मदद करोगे जी बिल्कुल तो अयान की जब आप मदद करना चाहते हैं तो आप बताइए वहां क्या आना चाहिए किलोमीटर आएगा तो बहुत बड़ा होगा मीटर आएगा तो भी बड़ा बहुत बड़ा होगा तो क्या आना चाहिए सेंटीमीटर आना चाहिए आपका जवाब बिल्कुल सही है अयान बहुत खुश हो गया उसे जवाब पता चल गया और वो आगे की तरफ बढ़ गया जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचा वहां उसे इस तरीके का एक बोर्ड नजर आया तो वो सोच रहा था ये जो भाल की है बीदर से वो चालीस कितनी दूर है चालीस अब चालीस के आगे क्या आना अब उसके पास तीन ऑप्शन थे प्यारे बच्चों क्या किलोमीटर आना या मीटर आना या सेंटीमीटर आना आना तो तो प्यारे बच्चों आयान को पता नहीं है कि वो क्या आना चाहिए तो आप लोग उसकी मदद करिए बताइए बिल्कुल सही आपका जवाब बिल्कुल सही है सें सेंटीमीटर आता तो गलत होता मीटर आता तो भी गलत होता दो मुकाम का जो फासला होता है तो वो किलोमीटर में आता है तो अयान को पता चल गया कि बीदर से भालकी 40 किलोमीटर दूर है अयान बहुत खुश हुआ और अपने अबू का कप, शर्ट का कपड़ा लेकर वो घर पहुंच गया अबू शर्ट का कपड़ा लेकर बहुत खुश हो गए प्यारे बच्चों। तो आइए अब हम यहाँ पर लंबाई की पैमाइश का तखमीना करेंगे तो प्यारे बच्चों ये तखमीना क्या है ये आपको पता नहीं है चलिए हम यहाँ पर देखते हैं और सीखते हैं तो सबसे पहले गौर कीजिए यहाँ देखिए ये चूंटी है वहाँ मिठाई है यानी कि चूंटी की पसंदीदा गजा है आप घर में भी देखते होंगे कहीं पर भी थोड़ी शक्कर या मिठाई रखो थोड़ी देर के बाद जाकर देखो बहुत सारी चूंटिया जमा हो जाती हैं क्योंकि मिठाई चूंटी का पसंदीदा गजा होती है उसी तरह आप ये चूंटी को वहाँ पर पहुँचना है आप गौर कीजिए यहाँ पर चार सड़क है सड़क ए सड़क बी सड़क सी और सड़क डी तो प्यारे बच्चों चूंटी को जल्द से जल मिठाई कन पहुंचना है तो चूंटी को जल्द से जल्द मिठाई कन पहुंचने के लिए चूंटी को कौन से रास्ते से जाना होगा सोचिए जी बिल्कुल चूंटी को मिठाई तक जल्द से जल्द जाने के लिए सड़क बी का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि वो जरा खरीब है मिठाई से तो प्यारे बच्चों उसी तरह यहां पर गौर कीजिए आप कि चिपकली और चूंटी की लंबाई में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है बिल्कुल सही बहुत जल्दी आपका जवाब आ रहा है कि ये चिपकली बड़ी है और च्यूटी छोटी है क्योंकि रोजमर्रा ये दोनों चीजों को आप देख रहे हैं चूंटी बहुत छोटी होती है चिपकली उसकी मुनासिबत से बड़ी होती है तो आपने बगैर पैमाइश किए इसका जवाब बता दिया कि चिपकली ज्यादा बड़ी है ठीक है ना बच्चों तो इनकी पैमाइश हमने बगैर नाप के बता दी दोनों मिसालों में चूंटी का रास्ता भी आपने बगैर पैमाइश के बता दिया और और चिपकली में कौन बड़े हैं ये भी आप बगैर पैमाइश के बता दिए तो प्यारे बच्चों याद रखिए हकी पैमाइश के, के बगैर लंबाई बताना तखमीना कहलाता है यानी कि हमने पटरी लेकर उसकी पैमाइश नहीं की बल्कि फ़ौर उससे देखते ही बता दिया कि चिपकली बड़ी है और चूंटी छोटी है तो बग़ैर पैमाइश किए लंबाई बतलाना ही तखमीना कहलाता है प्यारे बच्चों ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे आइए यहाँ एक हम मिसाल और एक देखते हैं कि घर से स्कूल तक का जो फासला होता है वो आधा किलोमीटर है हमने इसकी पैमाइश नहीं की मगर हमने इसका तखमीना किया है तो कुछ मिसालें ऐसी होती हैं जिसकी हम पैमाइश नहीं करते लेकिन हम बता सकते हैं जैसे और एक मिसाल देखिए अपने घर से अपने दोस्त के घर का फासला 700 मीटर दूर है उसी तरह यहाँ पर आमिर की पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो ये तमाम हम तखमीना करके आपको बता रहे हैं उसी तरह शर्ट के बटन की जो लंबाई होती है वो सात मिलीमीटर होती है बिल्कुल बटन छोटे चोट होते हैं तो सात मिलीमीटर उसकी लंबाई है जब आप पटरी लेकर पैमाइश करेंगे तो कुछ कम या कुछ ज्यादा हो सकती है ये आपका तखमीना है ठीक है ना बच्चों आइए यहाँ पर अब एक सरगर्मी करते हैं तो यहाँ जैल की तस्वीर का मुशाह कीजिए और इनकी लंबाइयों का तखमीना कीजिए तो यहाँ एक ब्रश दिया गया है तो इसकी तखमीना की लंबाई और हकीकी लंबाई दोनों में आपको बताऊँगी बच्चों सबसे पहले ये ब्रश की लंबाई जब हम तखमीना करेंगे तो इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है आइए हमारा तखमीना किस हद तक सही है वो हम पटरी की मदद से देखते हैं यहाँ देखिए हमने पटरी ली और उसकी इस तरीके से पैमाइश की तो प्यारे बच्चों इसकी हकीकी लंबाई कितनी है 11 सेंटीमीटर यानी कि 12 के करीब ठीक है बच्चों उसी तरह यहां पर देखिए एक पेन दिया गया है तो इस पेन की भी हम तखमीना लंबाई देखेंगे पहले तो ये सात सेंटीमीटर है ठीक है बच्चों तो जब हमने पटरी की मदद मतलब से इसकी पैमाइश की तो वो जब देखिए आप वो कितनी हो गई वो आठ सेंटीमीटर हो गई ठीक है ना बच्चों तो आप अच्छी तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ आप तखमीना समझ गए होंगे ठीक है तो यहाँ पर अब हमारी बारी आती है घर पर काम की तो देखिए एक हिदायत है आपके लिए कि दी गई फहरिस्त में लंबाई की इकाई की मुनासिबत से जिदवल में दर्ज कीजिए यहाँ पर आपको एक जिदवल दिया जा रहा है जिसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर दिया गया है तो कुछ चीजें हैं जैसे रबर पेंसिल किताब साड़ी कमरा जमात की लंबाई दो मुकाम का दरमियानी फासला चिंटी की लंबाई अपने घर से स्कूल का फासला तो प्यारे बच्चों आपको देखना है जैसे कि मैं एक मिसाल बता रही हूँ रबर अब रबर की पैमाइश क्या आप मिलीमीटर में करोगे या सेंटीमीटर में ठीक है आपका रबर सेंटीमीटर में तो आपको सेंटीमीटर की जगह पर रबर को लिखना है इसी तरह तमाम को उनकी जगह पर लिखना है और इसका जवाब आपके मदरसे के जो इलम रियाजी के इस हैं जो आपके उस्ताद हैं उनको वो बचलाना है ठीक है बच्चों अब दूसरा सवाल पे देख जाएंगे हम दूसरा सवाल देखेंगे यहाँ अपने कमरे जमात की लंबाई और चौड़ाई की पैमाइश कीजिए आप मीटर का टेप लीजिए आपके मदरसे में होगा या आपने घर से ले जाइए प्यारे बच्चों और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कमरे जमात की लंबाई और चौड़ाई की पैमाइश कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए और अपने उस्ताद महतरम को बतलाइए उसी तरह यहाँ आपको होमवर्क का तीसरा सवाल दिया जाता है कि तखते स्या की लंबाई और चौड़ाई का तखमीना मालूम कीजिए यानी कि लंबाई का भी तखमीना और चौड़ाई का भी तखमीना फिर आपका तखमीना किस हद तक सही है उसकी पैमाइश करके अपने जवाब की तस्दीक करिए ठीक है ना बच्चों अब मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम को ये जो लंबाई का आखिरी सबक था जो हमारा चौथा हिस्सा था बहुत पसंद आया होगा इससे आपने बहुत फ़ायदा उठाया होगा मैं उम्मीद करती हूँ तो प्यारे बच्चों अल्लाह हाफिज़ मैं शाहिन फ़ातिमा असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हाइर प्राइमरी स्कूल चिट्टा तल्क़ा वज़िला बीदर से